जिस प्रकार नववर्ष पर लोगों को नृत्य करते देखा गया, उसी से हटकर आओ हाथ बढ़ाए संस्था द्वारा मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित वैदिक वानप्रस्थ आश्रम में वहां मौजूद बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया और अब हाथ बढ़ाए संस्था द्वारा बुजुर्गों को शॉल और मिष्ठान बांटकर बुजुर्गों के साथ नववर्ष मनाया गया। हम वैदिक आश्रम आए हुए हैं, वानप्रस्थ वैदिक आश्रम आए हुए हैं यहाँ बुजुर्गों से मिलने के लिए, कुछ शॉल और मिठाई वगैरह लेकर के। क्या मकसद रहा ऐसा कार्यक्रम करने का? मकसद कुछ नहीं है, मकसद बस इतना सा है कि परिवार की ज़रूरत सबको होती है, अकेलापन सबको महसूस होता है। नए साल का पहला दिन है तो हम लोगों ने सोचा जो अपने परिवार से अलग किसी भी मजबूरी में रह रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा समय बिता के हंस बोल के उन्हें उपहार स्वरूप कुछ दे करके उनके दिन को कुछ खास बनाने की कोशिश की है। क्या आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे? बिल्कुल, हमेशा हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि हमसे जितनापन पड़े हम समाज के लिए, समाज में जो बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं उन तक भी अपनी सेवा, अपना साथ पहुंचाएं। इस मौके पर आओ हाथ बढ़ाएं की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे, महासचिव गोपाल हरि, लता शर्मा, मंजू गुप्ता, सुधा धारीवाल, सौतेंद्र गुर्जर, रेणु शर्मा, सुमित सेनी, शुभम सेनी, पिंकी सप्रा आदि मौजूद रहे।